हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ TVS Radeon का डिटेल रिव्यू 2023 जो आया है E20 पे, एथेनॉल 20 के साथ। आइए दोस्तों। दोस्तों बेसिकली क्या है, जो अपकमिंग फ्यूल है ना, जो अपकमिंग पेट्रोल है, ये बाइक उस पर भी चलेगी। सो आज डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है जिसका प्राइस है 61,000 एक्स शोरूम दिल्ली, दैट मीन्स 60,900 रुपये इसका प्राइस है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ऑन रोड की, तो 75,000 में ये बाइक आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे कंप्लीट बाइक की। फ्रंट में आपको हैलोजन बेस हेडलाइट मिल जाती है दोस्तों। यहां पर ये ग्रीन ग्लोसी कलर है, बट यहां पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ साथ फ्रंट में आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है ट्यूबलेस टायर के साथ। उसी के साथ फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर इंजन की, बिकॉज इंजन भी मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पर आपको 60+ का माइलेज डेफिनेटली ये बाइक ऑफर करेगी। TVS Radeon 110cc के साथ आती है, ETFI आती है दोस्तों। यहाँ पर इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक आती है, दैट मीन्स आपको माइलेज की गारंटी है। उसी के साथ TVS के यहाँ पर 3D में लोगो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो Radeon लिखा है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि आप देख रहे हैं 3D में है, और ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये E20 पे आई है, 2023 मॉडल है TVS Radeon का। उसी के साथ साथ दोस्तों आप बात करेंगे ओवरऑल बाइक की, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी सीट मिल जाती है, जो काफ़ी कंफर्टेबल है राइडर प्लस पिलियन के लिए। उसी के साथ साथ दोस्तों ये बाइक कम्यूटर में सबसे बेस्ट बाइक बताई जाती है, बिकॉज उसका प्राइस पॉइंट है ना, जिस हिसाब से जिसका डिजाइन है, आपको जो माइलेज ऑफर करती है, कंफर्ट ऑफर करती है, जो परफॉर्मेंस है, वो आपको काफी बेटर मिल जाता है। अब हम दिखाएंगे आपको इसका कंसोल की, भाई कंसोल कैसा मिल जाता है। तो यहां पर आपको एनालॉग कंसोल मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा लगता है, लुक लाइक अ कार, जैसे कि कार का जो कंसोल होते हैं उस टाइप से साइज है, जो काफी अच्छा लग रहा है। तो यहां पर आपको स्पीड मिल जाती है, यहां पर आपके किलोमीटर्स होंगे, यहां पर आपका न्यूट्रल हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ भी मिलता है, सो बेसिकली साइड स्टैंड की यहां पर लाइट मिल जाएगी, ये इंजन माल फंक्शन की लाइट मिल जाती है, यहां पर आपको एनालॉग फ्यूल गेज मिल जाता है। सो ओवरऑल काफी क्लासिक डिजाइन मिल जाता है दोस्तों। ये जो डिजाइन है ना, वो इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है भाई। 61,000 रुपए में आप और क्या लेंगे, TVS के भरोसे के साथ आपको ये बाइक मिल जाती है। TVS एक इंडियन ब्रांड है। अब मैं बात करूं क्वालिटी की, सो भाई स्विचेस काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी ड्यूरेबल है, जल्दी से खराब नहीं होने वाले, और यहां पर काफी लाउड हॉर्न मिल जाता है। सो ओवरऑल काफ़ी सही बाइक है, सेल्फ प्लस किक स्टार्ट के साथ दोस्तों। यहाँ पर 110cc का इंजन है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा माइलेज ऑफर करेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों रेयर में आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर, यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है कम्यूटर सेगमेंट में। क्रोम फिनिश आपको यहाँ पर मफलर मिल जाता है, जो कि इसके एग्जॉस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दोस्तों। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज 61,000 में आता ही क्या है, 61,000 में आपको यहां पर TVS ऑफर कर रहा है, TVS Radeon विद ETFI टेक्नोलॉजी, दैट मींस एक्स्ट्रा माइलेज का वादा। दोस्तों TVS की बाइक्स हमेशा से माइलेज के लिए जानी जाती हैं, सो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर TVS Radeon का 2023 मॉडल E20 पे निकाला गया है, जो कि आपको डिजाइन के साथ साथ परफॉर्मेंस, माइलेज, कंफर्ट, बहुत ही बेस्ट बाइक है। अगर हम कंपेयर करें स्प्लेंडर से, तो भाई स्प्लेंडर से काफ़ी सस्ती मिल जाती है आपको। मैं टॉप एंड की बात कर रहा हूँ, जो फुली डिजिटल स्पीडोमीटर आया है, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सही बाइक है, 110cc इंजन है दोस्तों। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं कम्यूटर सेगमेंट की बाइक, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।